नमस्कार दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों ये है टकसाल एप्लीकेशन, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये एप्लीकेशन ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों पे उपलब्ध है, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों इसे ओपन करना है और एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करके इस प्रकार का इंटरफेस आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ प्ले के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके पास ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी एक नंबर चूज करना है। अगर आपका चूज किया गया नंबर सही निकलता है तो इस चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं। तो जाइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, लास्ट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए कंप्यूटर की नोट्स लेकर आया हूँ, और दोस्तों यकीन मानिए मुझे इस पीडीएफ में 2 महीने हो गए वर्क करते हुए, और बहुत ही शानदार पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों इस पीडीएफ में लगभग सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक हैं इस पीडीएफ में कवर किए गए हैं। उसके साथ 1000 क्वेश्चन का जो सेट है मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आप अपनी एक ही पीडीएफ में प्रैक्टिस कर सको। और आपको क्या करना है दोस्तों, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट किसी भी आप फोटोशॉप से निकलवा सकते हो, फोटोकॉपी की दुकान से। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको इसे पढ़ने में आसानी होगी। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। कंप्यूटर का पूरा सामान्य परिचय इसमें आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर के विकास के बारे में, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, मेमोरी कार्ड्स और जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसके बारे में, पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं उसके बारे में, और संख्या प्रणाली के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, जो भी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल में पूछा जाता है दोस्तों। और यकीन मानिए दोस्तों, 10 नंबर में से 9 नंबर का, देखो श्योर गारंटी नहीं ले सकता 10 नंबर की मैं, लेकिन 10 में से 9 नंबर का स्कोर की मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों। इस पीडीएफ में 10 में से 9 नंबर का कहीं कुछ बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों अब आपको मैं पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये है आपकी पीडीएफ, बहुत ही मेहनत से मैंने ये पीडीएफ बनाई है, और आप देख सकते हैं 201 पेज की ये पीडीएफ है। और इसमें मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में मैंने इसको तैयार किया है, ताकि कोई भी बच्चा इसको आसानी से समझ सके। और दोस्तों ये पीडीएफ इस तरीके से तैयार की गई है, जैसे कोई टीचर अपन को समझाता है, तो मैंने उसको और भी अच्छी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, ताकि जो बंदा जिसको कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो भी इसे पढ़कर 10 में से 8 या 9 नंबर लेकर आ सकता है। दोस्तों मैं किसी की तरह यहाँ पे बढ़ाई नहीं लूँगा कि 10 में से 10 क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आने वाले हैं, लेकिन मैं 8-9 नंबर की यहाँ पूरी श्योरिटी के साथ आपको बता सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस पीडीएफ को लगभग मैंने 2 मंथ में तैयार की है। और दोस्तों इसमें मैंने 1000 क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, लगभग 200 पेज की ये पीडीएफ है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है मैंने वो आपको बता दिया, जैसे मेमोरी का सेक्शन है। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ, 200 में से 150 पेज इसी प्रकार हैंड राइटिंग के हैं, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा और नीचे। तो देखिए दोस्तों, ये अभी हैंड राइटिंग नोट्स आ रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, थोड़ी और नीचे चलते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल हिंदी में है, इसमें कुछ कुछ टर्म्स इंग्लिश में लिखी गई हैं, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्योर हिंदी कहीं भी लिख ही नहीं सकते। जैसे दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, तो दोस्तों संगणक मुझे भी लिखने में परेशानी होती और आपको भी समझने में परेशानी होती, इसलिए दोस्तों मैंने इसमें कुछ कुछ टर्म्स इंग्लिश में लिखने की कोशिश की है। और दोस्तों इसमें आप नीचे देखिए, मैं हिंदी में आपके लिए इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपके लिए ऐड किए हैं, 1000 क्वेश्चन है इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं इनके जो आंसर हैं। दोस्तों मैं थोड़ा आपको नीचे ले चलता हूँ।
तो दोस्तों ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए दोस्तों इसके आंसर भी यहाँ दिए गए हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, देखिए जैसे ये दूसरा सेट है, एक नंबर से यहाँ पे स्टार्ट है। अब इसको थोड़ा नीचे चलते हैं, इनमें क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन है इनके कोई टिक मार्क यहाँ पे नहीं है। तो आप खुद नोट्स को पढ़कर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको कहीं और कुछ बुक या कहीं कुछ और पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों थोड़ा नीचे चलते हैं, और थोड़ा नीचे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए आप, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, 95 क्वेश्चन है, इनके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे एक नंबर से दोबारा चालू हो जाता है। और दोस्तों ये आगे चलते हैं, इसका जो आंसर है दोस्तों नीचे दिया गया है, ये देखिए दोस्तों 87 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। और दोस्तों लास्ट में चलते हैं, लास्ट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों ये अपने एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम का लोगो है, उसके ऊपर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे है 118 क्वेश्चन का आंसर। और इसके बाद में दोस्तों जो कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म्स हैं, वो भी कई कई बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो इस तरीके की जो शॉर्ट टर्म है, वो भी मैंने काफ़ी यहाँ पे ऐड की है आप लोगों के लिए, ताकि आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों ये पीडीएफ यहाँ पे ख़त्म होती है, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी पीडीएफ है दोस्तों। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए दोस्तों आपके 8 या 9 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं है। और मैं इतनी गारंटी है कि दोस्तों लगभग 10 10 नंबर का स्कोर भी आप कर सकते हो दोस्तों इससे। तो जिस भी भाई को ये पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन से ये डाउनलोड कर सकता है। इसका ओनली मैंने 30 रुपये रखा है, ताकि दोस्तों कोई भी मतलब डाउनलोड करके, जैसे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि फ्री में अगर कोई चीज़ अपन को मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, इसलिए मैंने इसको पेड रखा है। और क्योंकि दोस्तों आप भी देख रहे हैं, बाकी जो चैनल हैं 100 100 रुपये में पीडीएफ बेच रहे हैं, आप सभी को पता है, आप सभी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने ओनली 30 रुपये इसलिए रखा है, ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा जो पढ़ना तो चाहता है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है, तो वो 30 रुपये तो कम से कम पे करके और अपनी ये पीडीएफ ले सकता है, इनके प्रिंट आउट निकलवा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ ये पीडीएफ आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। मैं खुद ही इस पीडीएफ से पढ़ने वाला हूँ, पिछली बार एक नंबर से रहा था, लेकिन अब की बार ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ने वाले अपन, जिससे कि अपना सिलेक्शन ना हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो के जो पीडीएफ का लिंक है और ऐप का लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ऐप है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।